आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज आठवां दिन है। पंजाब के पूर्व सीएम और अकाली दल के नेता विकास सिंह बादल ने किसानों के समर्थन में पद्म विभूषण लौटा दिया है। बादल को 2015 में पद्म विभूषण मिला था। अकाली दल 22 साल से एनडीए के साथ था, लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में 2 महीने पहले एनडीए से अलग हो गया था। तो वहीं दूसरी ओर 40 किसान नेताओं की सरकार के साथ विज्ञान भवन में बातचीत चल रही है। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अध्यक्षता कर रहे हैं। मीटिंग से पहले तोमर ने कहा कि किसानों से चर्चा का सकारात्मक नतीजा निकलेगा। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि गृह मंत्री से अपील की है कि किसानों की समस्या का जल्द समाधान निकालें। इस मुद्दे से पंजाब की इकोनॉमी और देश की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। किसानों से भी अपील की है कि जल्द मामला सुलझाएं। मीटिंग में किसानों के साथ बैठक में रेल मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद हैं। मीटिंग से पहले सोम प्रकाश ने कहा था कि बातचीत से ऐसा समाधान निकलने की उम्मीद है जो किसानों और सरकार को भी मंजूर हो। सरकार कह चुकी है कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी और यह बात लिखित में देने को भी राजी है। देश दुनिया की ऐसी ही जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात।